ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटे और मज़ेदार। आज हम इसको गेहूं के आटे से और आलू से बनाएंगे। इसको बनाना समोसे कचौड़ी से भी आसान है। इसे खाने के बाद सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। मेहमान भी पूछेंगे आपने इस नाश्ते को कैसे बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले इस नाश्ते के लिए आटा लगाते हैं। आधी कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, आधी कटोरी मैदा। आप चाहें तो इस नाश्ते को केवल गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर मैदा से बना सकते हैं। इन सबको एक बार चला दें। इन सबको भी यहाँ पे चला दिया है। इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक को भी एक बार चला दें। नमक को भी यहाँ पे चला दिया है। इसमें डालते हैं 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर दें। क्रम्बल करते हुए मिक्स करेंगे। आटे पर मैदा पे तेल की कोटिंग हो जाए। ऑयल को भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसका एक लड्डू सा बना के देखते हैं। ये देखिए, इसका लड्डू आराम से बनना है तो हमारा माइंड एकदम परफेक्ट है। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा ही डालेंगे और इसको भी कर देंगे मिक्स। फिर यहाँ पे डो लगा लेंगे। डो ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आटा लग गया और आटा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट है। और जिस तरह से मैं दबा दूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि डो किस तरह का। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट लिए छोड़ते हैं। अब इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। 2 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल हो गया गरम। आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 प्याज बारीक कटी हुई, इनको चला दें। और प्याज को यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, इसकी गैस लो टू मीडियम रखें। प्याज यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मिर्च को भी चला दें। और मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इनको चला दें। मिर्च बैलेंस करके डालें क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करा है। और हल्दी पाउडर को भी यहाँ पे भून लेंगे। हल्दी पाउडर का जो कच्चा टेस्ट होता है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए। आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, अब इनको डाल देंगे। अब आलू को चला दें एक बार। आलू को भी यहाँ पे चला दिया है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक को भी मिक्स कर दें। स्टफिंग को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो गए और स्टफिंग भी अच्छे से भून गई है। इसकी गैस कर देंगे बंद। स्टफिंग को प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। आटे को भी अच्छे से रेस्ट मिल गया है। अब इसमें से लोई बनाते हैं। जिस तरह हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, सेम इसकी इसी तरह से लोई बना लेंगे और उतनी ही बड़ी लोई बनाएंगे। इतनी बड़ी, इसको कर देंगे गोल। डो में से 4 लोई बना के तैयार कर ली है। किचन के प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई बोर्ड ले लें, इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी डस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे लोई। लोई के ऊपर भी थोड़ी सूखी मैदा डस्ट करेंगे और लोई को घुमा देते हैं। इसको हल्का सा फैला देते हैं और अब इसको बेलते हैं। बेलन से बेलेंगे, ये आराम से बेल जाएगा। इसे बेलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं, सेम इसको इसी तरह से बेल लेंगे और इसे घुमाते हुए बेल लेंगे। जब लगे रोटी चिपक रही है तो जब भी सूखी मैदा डस्ट कर लें। इसको यहाँ पे बेल लिया है और अब इसको बोर्ड पे से निकाल लेते हैं। देखिए कितने आराम से निकल गया। और इसको इतना मोटा रखना है, ये देखिए। और देखिए इसको रोटी की तरह ही बेला है। और बाकी लोइयों को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। 4 रोटियों को बना के तैयार कर लिया है। इसके लिए साटा बनाते हैं। बाउल लेंगे, इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। साटा बनाने के लिए मैदा ही लेनी है, गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें 2 चम्मच ही घी डाल देंगे। इनको एक बार चला दें। जब इस नाश्ते में लेयर बनाएंगे, लेयर को चिपकाने के लिए साटा का इस्तेमाल किया जाता है। साटा ग्लू का काम करता है। और ये सब भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब एक रोटी को ले लेंगे, बोर्ड पर रख लेंगे और इसके साटा लगाते हैं। इस पे 2 चम्मच इस पे साटा रखेंगे और पूरी रोटी पे फैला देते हैं। पूरी रोटी पे साटे को लगा दिया है। अब दूसरी रोटी लेंगे, रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। रोटी थोड़ी छोटी हो तो इसे थोड़ा खींच लें और इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। 1 से 2 चम्मच साटा रखेंगे और इसी तरह बाकी रोटियों पर भी साटा लगा लेंगे। सारी रोटियों पर साटा लगा दिया है और इसे दबा देते हैं। 4th रोटी के ऊपर साटा नहीं लगाएंगे, इसे भी यहाँ पे दबा दिया है। और अब इसको बेलन से बेल देते हैं। ज़्यादा नहीं बेलेंगे, हल्का हल्का बेल देंगे। इसे घुमाते हुए बेल लेंगे। इसको यहाँ पे बेल लिया है। इसे मैंने बोर्ड पे से निकाल के किचन के प्लेटफॉर्म पे रख लिया है। आप यहाँ पे कोई कटोरी या फिर ग्लास ले लें जिसकी किनारी शार्प हो और ये आराम से कट हो जाता है। इसे कट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसे यहाँ पे कट कर लिया है। मेरे यहाँ पे एक बार में 5 पीस बनके हो गए तैयार। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देते हैं। इसको दोबारा बेल के इसी तरह से हम कट कर लेंगे और अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल गए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अब इनके बीच में स्टफिंग रखते हैं। 20 सेंटर में स्टफिंग को रखेंगे। 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे लंबा करके रोल करेंगे। एक साइड से उठा के इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इसको यहाँ पे गुंजिया की शेप दे देंगे। मैं आपको एक बार उठा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टफिंग को अंदर की तरफ करेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। चारों तरफ से स्टफिंग को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से दबा देंगे। इस नाश्ते को मैं यहाँ पे गुंजिया की शेप दे रही हूँ। आप इसके कैसे भी शेप रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप कैसे भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसे भी चारों तरफ से दबा दिया है, अच्छे से सील करा है इसे। ये देखिए मैं आपको एक और बनानी बताती हूँ। बीच में रखेंगे स्टफिंग। 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे, इसे लंबा करके रोल कर लेंगे। एक साइड से उठाएंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। चारों तरफ से दबाते हुए बंद कर देंगे। इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं है। इसे दबाते हुए चारों तरफ से सील करेंगे। इसे भी यहाँ पे दबा दिया। ये देखिए कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इसी तरह सभी को तैयार कर लेंगे। तेल हो गया गर्म, अब अपने नाश्ते को डालेंगे। तेल यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म तेल चाहिए। और इसकी गैस मीडियम रखें। एक बार में जितने आ जाए उतने को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सभी को डाल दिया है और इन्हें कुछ देर के लिए इसी तरह सिकने देंगे। कुछ देर के बाद इन्हें पलटेंगे और इन्हें कुछ देर के बाद पलट देते हैं। और देखिए इनकी लेयर किस तरह से खुल गई है।
सभी को पलट देते हैं। आप इस नाश्ते को बर्थडे पार्टी या फिर किटी पार्टी में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कीमती लाइक मुझे जरूर दीजिए और अपना प्यार से कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो। और इन्हें दोनों साइड से उलटते पुलटते अच्छे से सेक लेंगे जब तक इन पे हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए, प्यारे सा कलर ना आ जाए। इन पे आगे गोल्डन कलर ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं तो अब इनको निकाल लेते हैं। और देखिए नाश्ता कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है और इनकी लेयर किस तरह से खुल गई है। ये देखिए नाश्ता कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। ये हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी मजेदार सा नाश्ता बनके हो गया तैयार। आपको इस नाश्ते में समोसे कचौड़ी सभी का टेस्ट आएगा। मैं इस नाश्ते को सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो खट्टी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए नाश्ते की लेयर कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी आवाज कितनी ज्यादा क्रिस्पी आई है और अंदर से स्टफिंग कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आप इस रेसिपी को बनाइए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।